जिले में एक बार फिर कोरोना की भरमार। रायचूर जिले में आज कोरोना के 251 नए मामले सामने आए। जिला डिप्टी कमिश्नर आर वेंकटेश कुमार ने बताया कि आज यानी 27 अगस्त को रायचूर जिले में कोरोना के 251 मुस्बत मामले सामने आए हैं और एक शख्स की मौत भी वाकई हुई है। इस तरह अब तक जिले में कोरोना के 6,511 मामले दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज 72 अफराद ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। इस तरह सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले कुल अफराद की तादाद 4,979 हो गई है। मानवीय तालुके में आंगनवाड़ी वर्कर्स के खाली ओहदों के लिए हाल ही में दरखास्तें तलब की गई थी, जिनमें जिस मामले में आज सिलेक्शन लिस्ट लगाई गई है। इस सिलसिले में अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो 3 सितंबर से कबल अपनी शिकायत CDPO यानी चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर मानवी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। DTDM टेक्निकल कोर्स के लिए दरखास्तें मतलूब। राय ने बताया कि DTDM नामी टेक्निकल कोर्स में दाखिलों के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। इस सिलसिले में ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो कि SSLC कामयाब कर चुके हैं, वो डाई मेकिंग, टूल मेकिंग वगैरह के डिप्लोमा इस कोर्स के जरिए हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में उम्मीदवारान वेबसाइट www.gttc.co.in यानी www.gttc.co.in इस वेबसाइट पर जाकर दरख्वास्त फॉर्म पूर्ण किया जा सकता है। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9916231899 एक बार और सुन लीजिए 9916231899 इस फ़ोन नंबर पर रब्त किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ने बताया कि ऐसे अफराद या फिर ऐसी तंजीमें जो बच्चों की फलाह व बहबूदी के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए रियासती सतह का एजाज़ और नकद इनाम का ऐलान किया गया है। इन्होंने बताया कि ऐसे अशखास जो कि बच्चों की फलाह व बहबूदी के लिए गुज़श्ता 5 सालों से काम कर रहे हैं या फिर ऐसी अंजुमन या ऐसी तंजीम जो गुज़श्ता 5 सालों से छोटे बच्चों की फलाह व बहबूदी के लिए काम कर रही है, उनके लिए चिल्ड्रंस डे के मौके पर नकद इनाम और एजाज से उन्हें नवाजा जाएगा। इन्होंने बताया कि बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए काम करने वाले शख्स को 25,000 रुपये नकद इनाम और एजाजी सनद दी जाएगी। इसी तरह बच्चों के लिए काम करने वाले तंजीम को 1,00,000 रुपये नकद इनाम और सर्टिफिकेट अता किया जाएगा। इस सिलसिले में ख्वाहिशमंद अफराद 15 सितंबर से कबल डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ऑफिसर यानी डिप्टी डायरेक्टर फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर स्टेशन रोड पर जाकर रद्द कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करके दाखिल कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स का ऑनलाइन पर आगाज हुआ है। जराए ने बताया कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP पर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और दीगर तबकात के लिए स्कॉलरशिप का पोर्टल ऑन हो चुका है। ऐसे तलबा और तालिबात जो कि स्कूलों में या कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे हों, वो 10 अक्टूबर से कबल इस पोर्टल पर जाकर अपने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में कई एक इदारे और फलाही तंजीमें भी खिदमत अंजाम दे रही हैं जो कि ऑनलाइन पर स्कॉलरशिप फिलअप करके दाखिल कर रहे हैं।